स्पेशल डिपार्टमेंट है राइट, मैं वहां पे कम कमाता था और जो बोर्ड की नर्सिस थी वो वहां पे ज्यादा कमाती थी। तो एक मेरा ये भी रीजन था, मैंने अपना जो बोर्ड है वो मैंने चेंज किया, मैं अभी रेडियोलॉजी में काम नहीं करता हूँ, अभी सीसी बोर्ड में काम करता हूँ। हेलो हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यू के वाइब्स। तो भाई जो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज मेक श्योर आप इस वाली वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, है ना। तो जैसे कि काफी सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं कि हमें किस वार्ड में एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्या हमें आईसीयू में एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्या हमें सीसीयू में एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्या हमें एएनई में लेना चाहिए, फिर वार्ड में लेना चाहिए। तो जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए काफी अच्छा एक समय होता है, या फिर कहें तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो जहां चाहें वहां एक्सपीरियंस ले सकते हैं, क्योंकि अभी उनके पास अवेयरनेस है। क्योंकि अब हम लोगों ने बता रखा है कि कौन से वार्ड में एक्सपीरियंस लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, आप एएनई में ले सकते हैं, आईसीयू में ले सकते हैं, सीसीयू में ले सकते हैं, है ना, आप थिएटर्स में ले सकते हैं। तो जाके आप कहीं पे भी ले सकते हैं, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, आप इनिशियली वहां से स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छा एक्सपीरियंस वहां पे आप गेन कर सकते हैं। फिर आपके बाद आप उसके बाद आपको जिस कंट्री में जाना है आप उस कंट्री में जा सकते हैं और जो आपको वहां पे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उनका फायदा वहां पे उठा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ये क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं और इनके रिलेटेड जब हम लोग वीडियोस बनाते हैं, तो काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले चुके हैं या फिर ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे काम कर रहे हैं। कितने सारे लोग यूट्यूब पे हैं, जो यूट्यूबर्स हैं वो लोग वीडियोस बनाते हैं, बताते हैं कि आपको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस लेना चाहिए, आपको आईसीयू में लेना चाहिए, सीसीयू में लेना चाहिए। वहीं पे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो ऑलरेडी बोर्ड में एक्सपीरियंस ले रहे हैं या फिर ले चुके हैं और वो अभी यूके का प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट के अंदर आते हैं कि यार हमने गलती कर दी, हमने बोर्ड का एक्सपीरियंस ले लिया, या फिर अब हम लोग क्या करें जब हमने बोर्ड का एक्सपीरियंस ले लिया, मेरे पास तो ना आईसीयू एक्सपीरियंस है, ना मेरे पास सीसीयू का है, ना एएनई का है, ना थिएटर का है, ये चार पांच एक्सपीरियंस ये लोग बताते हैं और मेरे पास इनमें से कोई सा भी एक्सपीरियंस नहीं, तो अब मैं क्या करूँ, है ना। तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि जिन लोगों के पास बोर्ड का एक्सपीरियंस है उनके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, और आप लोग कहीं पे भी कम नहीं हो या फिर कुछ भी कमी नहीं है इस चीज़ के अंदर। मेरे हिसाब से जो बोर्ड का एक्सपीरियंस है सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ वो आज हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो देखिए, जैसे कि जब मैं यूके आया था तो मैं एक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता था, और जब मैं इंडिया के अंदर था तो मैं आईसीयू के अंदर काम करता था, मैं एक आईसीयू नर्स था 2.5 साल के लिए, है ना। और मैं यूके में आया तो मैंने 1 साल यहाँ पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम किया है। जब मैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता था तो मुझे खाली रेडियोलॉजी के बारे में पता था, मुझे वार्ड्स के बारे में नहीं पता था। और जब मैं मेरे डिपार्टमेंट में काम करता था, टोटल मिला के हम लोग 2 से 3 नर्सेज ही उस डिपार्टमेंट में काम करती थी। इसका मतलब ये था कि वहाँ पे एक्स्ट्रा शिफ्ट के कोई चांसेस नहीं थे, ना मुझे वहाँ पे वीकेंड्स मिलते थे, ना सैटरडे संडे जो हमारे वीकेंड्स में आते हैं, ना मेरी वहाँ पे कोई नाइट शिफ्ट थी, ना मैं वहाँ पे बैंक हॉलीडेज करता था, और एक्स्ट्रा शिफ्ट की तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि हम लोग टोटल मिला के 3 जने काम करते थे, अगर 1 जना ऑफ पे रहता था तो 2 जने काम करते थे। मतलब काम जो था वो टोटल मिला के 2 से 3 लोगों का ही था। अगर कोई बीमार हो भी जाता है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग बाहर से नर्स को बुलाएंगे और फिर काम करेंगे। तो क्या होता है कि आप 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार बीमार पड़ोगे, मतलब 3 बार टोटल मिला के मेरा जो वार्ड है उसके अंदर बैंक शिफ्ट आएगी। और मैंने वहाँ पे 1.5 से 2 साल काम किया है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा है कि वहाँ पे मुझे कोई बैंक शिफ्ट मिली हो। तो अभी क्या है, वहाँ पे मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम थी। अब क्या होता था कि मुझे अगर एक्स्ट्रा शिफ्ट करनी है तो मैं कहाँ जाऊँगा, आईसीयू वाले मुझे नहीं लेंगे आईसीयू के लिए, क्योंकि अलग से कोर्स करना पड़ता है या फिर कुछ स्पेशलाइजेशन होता है। थिएटर वाले मुझे नहीं लेंगे क्योंकि स्क्रब नर्सेज की जरूरत होती है, या फिर जो उनके डिपार्टमेंट के लोग हैं वही उन शिफ्ट्स को उठा लेते हैं या फिर वही उनको पिक कर लेते हैं। तो क्या होता है कि चाहे आप आईसीयू की बात करें, आप सीसीयू की बात करें, या फिर आप थिएटर्स की बात करें, तो क्या होता है कि जो वहाँ के जो शिफ्ट्स हैं वो वहीं के लोग कवर कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक टोटल एक टीम होती है, उसमें से अगर कोई बीमार होता है तो दूसरा बंदा आके वहाँ पे एक्स्ट्रा शिफ्ट कर लेता है। तो मात्र एक ही जगह बची जहाँ पे जाके आप अपना एक्स्ट्रा शिफ्ट कर सकते हैं, वो है वार्ड। जब मैं यहाँ पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता था तो मुझे वार्ड का कोई एक्सपोजर नहीं था, और मैं चाहता था कि मुझे वार्ड का थोड़ा एक्सपोजर हो ताकि मैं वहाँ पे जाके काम कर सकूँ। तो मैं तरसता था इस चीज़ को लेके कि काश मेरे पास वार्ड का एक्सपीरियंस होता, चाहे यूके में आके मैं वार्ड में ही काम कर लेता। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि जब आप वार्ड में काम करते हैं तो वार्ड के अंदर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं काम करने की, वहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा शिफ्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। अब वो किसी भी वार्ड के आप लोग लगा सकते हो। अगर आप वार्ड में काम करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा शिफ्ट मिलेगी, अगर आप वार्ड में काम करते हैं आपको सैटरडे संडे काम करने के लिए मिलेगा, अगर आप वार्ड में काम करते हैं तो आपको नाइट शिफ्ट ही मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा। अब क्या होता है कि जब आप वार्ड में काम करते हैं तो आपके पास एक वार्ड का एक्सपोजर होता है, और आपको पता होता है कि यहाँ पे यूके के अंदर 8 से 10 पेशेंट एक पर्सन को मिलते हैं, मतलब एक नर्स को यहाँ पे मिलते हैं। तो उनको वर्कलोड के बारे में पता होता है, उनको ये पता होता है कि ऑब्जर्वेशंस कब करनी है, उनको ये पता है कि मेडिकेशंस कब करनी है, मतलब वार्ड का एक सेट रूटीन होता है। अब जब आप वार्ड में काम करते हैं तो वहाँ पे इतनी सारी नर्सेज होती हैं, तो कोई ना कोई सिक लीव के ऊपर होता है या फिर कोई ना कोई एनुअल लीव के ऊपर होता है, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा शिफ्ट मिलती ही रहती हैं, वहाँ पे एक्स्ट्रा शिफ्ट की कोई भी कमी नहीं होती है। अगर आप जैसे कि मेरे हॉस्पिटल में काफ़ी सारे वार्ड हैं, तो अगर आप एक वार्ड में काम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी वार्ड में जाके काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको रूटीन पता है। तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा शिफ्ट की कोई भी कमी नहीं होगी, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ की कोई भी कमी नहीं होगी। अगर आपको बैंड 5 टू बैंड 6 भी जाना है तो भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि अगर आप एक वार्ड में काम करते हैं जैसे मैंने आपको बताया,
तो लगभग आपको बोर्ड की सारी चीजों के बारे में पता है और आप दूसरे बोर्ड में जाके अपने इंटरव्यूज दे सकते हैं, क्योंकि आपने अपने बोर्ड में चीजें करी हैं, आपने चीजें वहां पे मैनेज करी हैं, तो वहां पे बैंड सिक्स बनना भी काफी ज्यादा ईजी होता है। और वहीं अगर मैं बात करूं आईसीयूज की, सीसीयू की या फिर थिएटर्स की, तो वहां पे क्या होता है कि जो पुरानी नर्सेज होती हैं, है ना, चाहे बैंड फाइव हो, आपके भी वहां पे सीनियर्स मिल जाएंगे और वहां पे एक तरीके से घर करके बैठ जाते हैं वो लोग, है ना, फिर वो बैंड सिक्स बन जाते हैं, बैंड सेवन जो भी बनते हैं। तो वहां पे जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो एक तरीके से कम होती है एज कम्पेयर टू वार्ड्स, क्योंकि वार्ड्स के अंदर काफी ज्यादा नर्सेज होती है वहां पे, है ना। तो आप दूसरे वार्ड में जाके उस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं आईसीयू में काम करता हूं, मैं वार्ड में जाके क्यों काम करूं। इवन कोई एक आईसीयू की जो नर्स है वो यही प्रीफर करेगी कि मैं अपने आईसीयू के अंदर ही काम करूं या फिर मेरे आईसीयू के अंदर एक्स्ट्रा शिफ्ट करूं। बट अगर उनको अपने आईसीयू के अंदर एक्स्ट्रा शिफ्ट नहीं मिलती है तो वो नहीं जाएगी, कि क्योंकि आपको आईसीयू में कम पेशेंट मिलते हैं, मुझे सीसीयू में कम पेशेंट मिलते हैं, तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं वार्ड में जाकर काम करूं, क्योंकि मेरे पास वार्ड में काफी ज्यादा वर्कलोड जाएगा, फिर काफी ज्यादा पेशेंट्स मेरे को वहां पे मिलेंगे ना, तो मैं वहां से निकलने की कोशिश नहीं करूंगा। बट वहीं अगर आप वार्ड की नर्स हैं तो आप किसी भी वार्ड में जाकर काम कर सकते, क्योंकि आपको सेम ही पेशेंट और नर्स का जो रेशियो है आपको सेम ही मिलेगा। एक बेनिफिट तो आपके लिए ये है। दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में काम करते हैं, इसका मतलब जब आप किसी एजेंसी के अंदर काम करते हैं, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके काम कर सकते हैं, क्योंकि एज अ बोर्ड नर्स आपको कहीं पे भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जब आप अपना जो सीवी देंगे या फिर किसी भी आप एजेंसी को जाके ज्वाइन करेंगे, आप बताते हैं कि मैं बोर्ड नर्स हूँ या फिर मैं किसी बोर्ड में काम करती हूँ, चाहे मेडिकल बोर्ड में करते हूँ या सर्जिकल बोर्ड में करते हूँ, तो आपको आराम से ले लेंगे, क्योंकि आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, आप वार्ड में काम करते हैं और उनको ये भी पता है कि आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा कि वार्ड के क्या क्या रूटीन्स होते हैं। तो वार्ड की जो वैकेंसीज हैं या फिर वार्ड की जो शिफ्टें हैं वो एजेंसीज के पास भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप वार्ड में आपका अच्छा एक्सपोजर है, आपका वार्ड में आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप एजेंसी शिफ्ट आराम से कर सकते हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास वर्कलोड है, आपके पास स्किल्स है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, तो आपके का जो एक्सपीरियंस है, वार्ड का जो एक्सपीरियंस है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जो भी बच्चा वार्ड का एक्सपीरियंस ले रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर वो सेल्फ डाउट ना करें, ये ना सोचे अपने अंदर से कि यार मैंने तो वार्ड का एक्सपीरियंस ले लिया, मेरे लिए तो खराब है। बट जब आप यूके आएंगे या फिर किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे, तो आपको इस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि जो वार्ड का एक्सपीरियंस है काफी बेस्ट है और मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है, क्योंकि आपके पास एक्सपोजर है और आपके पास अभी काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, आप किसी भी वार्ड में जाके काम कर सकते हैं। तो होपफुली आपको आज इस चीज़ के बारे में पता चल गया होगा, जैसे कि मैं भी बोलता हूँ, काफी सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि आपको यहाँ एक्सपीरियंस लेना चाहिए, वहाँ लेना चाहिए। बट अगर आपके पास वार्ड का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग प्लीज निराश ना हो इस चीज़ को लेकर कि मेरे पास वार्ड का एक्सपीरियंस है, अब मैं क्या करूँ। आपके पास वार्ड का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा है, अगर आपको करना है यूके में आके काम, अगर आपके लिए पैसा मैटर करता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप वार्ड के अंदर रहेंगे काफी अच्छा पैसा कमा लेंगे। क्योंकि जब मैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट काम करता था, स्पेशल डिपार्टमेंट है राइट, मैं वहां पे कम कमाता था और जो वार्ड की नर्सिस थी वो वहां पे ज्यादा कमाती थी। तो एक मेरा ये भी रीजन था, मैंने अपना जो वार्ड है वो मैंने चेंज किया, मैं अभी रेडियोलॉजी में काम नहीं करता हूँ, अभी सीसी वार्ड में काम करता हूँ, जहाँ पे मेरे को सिर्फ 3 दिन काम करना पड़ता है, 4 दिन मेरी छुट्टी होती है। अगर मुझे एक्स्ट्रा शिफ्ट वहाँ पे मिलती है तो मैं कर लेता हूँ, अगर नहीं मिलती है तो मैं नहीं करता। इवन मैंने जो मेरे आर्ट्स है 37.5 वो भी ड्रॉप करके 36 आर्ट्स पे आ गया हूँ। तो हाँ, मैं यही कहूँगा कि मैंने भी मेरा जो डिपार्टमेंट था वो चेंज करके ऐसे डिपार्टमेंट पे आया हूँ जहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा शिफ्ट मिल जाती है। तो अगर आप बोर्ड का एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो द बेस्ट है, आप लोग टेंशन ना लें, सेल्फ डाउट ना करें, और जब एक्सपीरियंस उसको कंटिन्यू करें, ओईटी की प्रिपरेशन करें, आईएलटीएस की प्रिपरेशन करें, सीबीटी करें, उसकी करें, और यूके के अंदर आके एज रजिस्टर्ड नर्स काम करें। होपफुली आपको आज का जो वीडियो है काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।